मूवी की शुरुआत में हम एक विलेज के कुछ लोगों को रिचुअल करते हुए देखते हैं, क्योंकि उनके यहाँ एक ड्रैगन का आतंक था और ड्रैगन से बचने के लिए वहाँ के लोग अपने जवान बेटियों की कुर्बानी देते थे। वो उन्हें तैयार करके बोट पर छोड़ देते थे और ड्रैगन सॉन्ग गाते थे, जिसे सुनकर ड्रैगन उन्हें अपने साथ ले जाता था। इसी रिचुअल के कारण ड्रैगन एक लड़की को अपने साथ ले जाता है, जिससे एक आदमी बहुत प्यार करता था। अपने प्यार को बचाने के लिए वो आदमी ड्रैगन के टापू की खोज स्टार्ट कर देता है, जिसके लिए उसे कई दिन कई जंगल और नदियां पार करनी पड़ती हैं। लेकिन जब तक वो उस टापू पर पहुंचता है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि ड्रैगन ने उस लड़की को मार दिया था, जिस वजह से उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो ड्रैगन को ख़त्म कर देता है। उस दिन के बाद से विलेज के लोगों के दिल से ड्रैगन का डर हमेशा के लिए दूर हो जाता है और वो उस आदमी को ड्रैगन स्लेयर के नाम से बुलाने लगते हैं। साल बीतने लगते हैं और समय के साथ वहाँ के लोग ड्रैगन रिचुअल को शादी के रिचुअल में बदल देते हैं। इस इंसिडेंट के कई साल बाद किंग ड्यूक अपनी छोटी बेटी मिरोसलावा यानी मीरा की शादी ड्रैगन स्लेयर के ग्रैंड सन इगोर के साथ करने का फैसला लेते हैं। नेक्स्ट सीन में वेडिंग रिचुअल स्टार्ट होता है और मीरा को बोट पर रिवर में छोड़ दिया जाता है और बोट की रस्सी इगोर के हाथ दी जाती है, जिसे वो अपनी ओर खींच रहा था। वहां मौजूद लोग रिचुअल को पूरा करने के लिए वापस उसी ड्रैगन सॉन्ग को गाते हैं। तभी अचानक वेडिंग के बीच एक ड्रैगन वहां आ जाता है और मीरा को उठाकर अपने साथ ले जाता है। इगोर उसे रोकने की कोशिश करता है, बट वो भी उसे नहीं रोक पाता। ड्रैगन मीरा को अपनी जगह पर ले आता है और उसे एक गहरे गड्ढे में डाल देता है। मीरा वहां से निकलने की कोशिश कर ही रही होती है, तभी एक जंगली जानवर उसके सामने आ जाता है। उससे बचने के लिए मीरा एक पत्थर उठाती है, तभी एक लड़के की आवाज़ उसे ऐसा करने से रोकती है और शांत रहने बोलती है, जिस वजह से वो जानवर वहां से चला जाता है। मीरा उससे पूछती है, क्या तुम्हें इगोर ने भेजा है मुझे बचाने के लिए? लड़का बोलता है, नहीं, मैं किसी इगोर को नहीं जानता। ये सुनकर मीरा उससे कहती है, मेरी यहाँ से निकलने में मदद करो, बदले में मेरे फादर तुम्हें बहुत सा रिवॉर्ड देंगे। लड़का कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ड्रैगन से कोई नहीं छुप सकता, उसे सब पता है और वो सब देख सकता है। मीरा को लगता है वो लड़का भी उसकी तरह ही कैदी है। वो उससे पूछती है, अभी ड्रैगन कहाँ है? वो मुझे यहाँ क्यों लाया और मेरे साथ क्या करने वाला है? लड़का बोलता है, वो सो रहा है, इसलिए हमारा बात करना ठीक नहीं। वैसे भी मैं तुम्हें बहुत कुछ बता चुका हूँ, अब तुम्हें खुद यहाँ सरवाइव करना होगा। ये सुनकर मीरा उससे बोलती है, प्लीज़ मुझसे बात करो। वो लड़का मीरा से पूछता है, तुम्हारे लोग रिचुअल सॉन्ग क्यों गा रहे थे? ऐसा करके तुम लोगों ने खुद ड्रैगन को वहाँ बुलाया। मीरा कहती है, हमें लगा था यहाँ कोई ड्रैगन्स नहीं है और इगोर चाहता था हमारी शादी इस तरह से हो। ये सब याद करते हुए मीरा रोने लगती है। तभी वो लड़का मीरा को उसके घाव पर लगाने के लिए एक लेप देता है। तब पहली बार मीरा उस लड़के को देखती है, जो उसे कहीं से भी किसी कैदी की तरह नहीं लग रहा था, क्योंकि वो काफ़ी साफ था। मीरा उसे लेप के लिए थैंक यू बोलती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। जब वो उस लड़के से उसका नाम पूछती है, तो वो कहता है, मुझे मेरा नाम याद नहीं। मीरा उससे बोलती है, क्या तुमने कभी यहाँ से भागने का सोचा है? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस लड़के से कहती है, एक बड़ा पत्थर लाओ, जब ड्रैगन आएगा तुम उसे डिस्ट्रैक्ट करना और मैं उसे पत्थर मारकर बेहोश कर दूंगी, उसके बाद हम यहाँ से भाग जाएंगे। लड़का बोलता है, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, केवल ड्रैगन स्लेयर जानता है ड्रैगन को कैसे ख़त्म करना है, इसलिए जब तक वो नहीं आता तुम इंतज़ार करो। लेकिन मीरा कुछ भी करके यहाँ से निकलना चाहती थी। लड़का उसे बहुत समझाता है, ड्रैगन सब देख और सुन सकता है, वो बहुत कैपेबल है, जिसे सुनकर मीरा को गुस्सा आता है और वो लड़के से बोलती है, तुम्हें पता है तुम कौन हो? एक कायर। इतना कहकर वो एक पत्थर से उस होल को बंद कर देती है, जिससे वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। उस गड्ढे से निकलने के लिए मीरा अपने लंबे बालों को काट कर उसकी रस्सी बनाने लगती है। तभी वापस वो लड़का मीरा से कहता है, मैं कायर नहीं हूँ, मैं भी उस ड्रैगन को हराना चाहता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मीरा से माफ़ी मांगता है। मीरा उसे माफ़ कर देती है, क्योंकि उस लड़के को अपना नाम याद नहीं था, इसलिए मीरा उसे आर्मन नाम देती है। तभी वो ड्रैगन आर्मन पर हमला कर देता है। आर्मन मीरा से बोलता है, ड्रैगन यहाँ है, छुप जाओ, पर गड्ढे से मत निकलना। इन सब से मीरा काफ़ी डर जाती है, लेकिन वो फिर भी हिम्मत नहीं हारती और गड्ढे से निकलने की कोशिश में उसके बालों की रस्सी भी टूट जाती है। इन सब से फ्रस्ट्रेट होकर मीरा एक पत्थर लेकर जोर जोर से उस जगह मारती है जिस साइड आर्मन था।
उसके ऐसा करने से अचानक कुछ बड़े पत्थर टूटकर गिर जाते हैं और वहाँ एक रास्ता बन जाता है। वहाँ से बाहर निकलकर मीरा आर्मन को ढूंढना स्टार्ट करती है। तभी वो ड्रैगन को देखती है और उससे डरकर भागती है। ड्रैगन उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। भागते भागते मीरा उस गुफा से निकलकर बाहर पहुंचती है जहां से आगे एक गहरी खाई थी। तभी आर्मन वहां उसी जानवर के साथ आता है जिसे मीरा पहले मिली थी। वो जानवर आर्मन की बात मान रहा था। ये देखकर मीरा आर्मन से पूछती है, तुम कौन हो, और उसे दूर रहने कहती है। तभी पैर फिसलने की वजह से मीरा नीचे गिरने लगती है और उसे बचाने के लिए आर्मन ड्रैगन में बदल जाता है, जिससे मीरा बच जाती है और समंदर की तरफ देखकर मदद के लिए लोगों को बुलाती है। लेकिन उससे कुछ नहीं होना था क्योंकि वो एक वीरान सुनसान टापू था। वहीं दूसरी तरफ इगोर अपने साथियों के साथ मीरा को बचाने के लिए निकल चुका था। इधर आर्मन जो कि अपने ड्रैगन रूप में था, उसकी हालत खराब थी और वो एक बार फिर इंसान बन जाता है। ये देखकर मीरा एक बड़ा पत्थर उठाकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। तभी समंदर का पानी आर्मन को डुबाने लगता है। मीरा उसे ना बचाने का डिसाइड करती है, फिर खुद ही उसे बचाती है और आर्मन के पालतू जानवर के कहने पर उसे टापू की ऊंचाई में ले जाती है। तभी अचानक आर्मन को होश आ जाता है और वो वापस ड्रैगन में बदलने लगता है और एक बार फिर बेहोश हो जाता है। ये देखकर मीरा वापस समंदर की ओर जाकर लोगों को अपनी मदद के लिए बुलाने लगती है। तभी उसे एक पुरानी नाव दिखती है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल मौसम खराब हो जाता है और समंदर में ऊंची लहरें उठना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से मीरा भागने का प्लान कैंसिल करके वापस टापू पर आ जाती है। वो आर्मन को देखती है जिसे काफी गहरे घाव हुए थे, इसलिए वो उसके घावों पर लेप लगाकर उसकी देखभाल करती है। उसी रात मीरा एक सपना देखती है जिसमें इगोर उसे बचाने आया था। तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखती है उसने आर्मन को गले से लगाया है, जिससे मीरा घबरा जाती है और उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन आर्मन उसे अपनी ओर खींचकर वापस गले लगा लेता है। अगले दिन जब मीरा की आंख खुलती है, वो देखती है आर्मन अब बिल्कुल ठीक है। वो उसके पास जाकर उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्मन उससे बात नहीं करता, इसलिए मीरा उसे परेशान करना स्टार्ट कर देती है। तब आर्मन उसे बताता है जब वो छोटा था वो अपने फादर के साथ रहता था और उनसे बहुत प्यार करता था। एक दिन जब उसके ड्रैगन बनने का दिन आया, वो ऐसा नहीं कर पाया और भाग गया। तभी उसे एक नाव आती दिखाई दी जिसमें एक आदमी था और उसने उसके फादर को मार दिया। बदले और गुस्से की भावना के चलते वो ड्रैगन बना और उसने वो देखा और महसूस किया जो उसके पूर्वज किया करते थे। वो सब मॉन्स्टर थे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि आर्मन ने खुद के अंदर के मॉन्स्टर यानी ड्रैगन को जगा दिया था, लेकिन फिर भी वो उसे लड़ता रहा। वो खुद को एक ऐसी जगह छुपा लेता जहां उसका इंसानी शरीर घुस सकता था, बट ड्रैगन उससे बाहर नहीं आ सकता था। इस तरह वो खुद को कंट्रोल कर रहा था, बट एक दिन ड्रैगन रिचुअल सॉन्ग सुनकर उसने अपना कंट्रोल खो दिया और मीरा को ड्रैगन से बचाने के लिए जानबूझकर एक छोटे गहरे गड्ढे में डाला ताकि वो सेफ रहे। वो वापस एक ड्रैगन बनकर मीरा को घर भी नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसे ड्रैगन को कंट्रोल करना नहीं आता, इसलिए मीरा को ड्रैगन स्लेयर का वेट करना ही पड़ेगा। लेकिन ये सब मीरा के हाथ में है क्योंकि केवल वही आदमी इस टापू पर पहुंच सकता है जब उनका प्यार सच्चा हो और उसका सच्चा प्यार उसका इंतजार कर रहा हो। अगर मीरा सच में गौर से प्यार करती है तो वो यहाँ पहुंच जाएगा। आर्मन वापस मीरा को पिट में जाने कहता है ताकि वो ड्रैगन से बची रहे, लेकिन मीरा आर्मन की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो आर्मन से कहती है इगोर के आने तक वो उसे इंसानों की तरह रहना सिखाएगी और ड्रैगन को कंट्रोल करने में उसकी मदद करेगी। नेक्स्ट सीन में दोनों मिलकर उस जगह को रहने लायक बना देते हैं और साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं। मीरा आर्मन को एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट गिफ्ट करती है जिसकी हेल्प से उसका मन शांत रहेगा और ड्रैगन उस पर हावी नहीं होगा। एक रात मीरा नींद से जागती है और देखती है आर्मन ड्रैगन में बदल चुका है। जब वो उसके पास जाती है तब वो ड्रैगन उसे मार देता है। ये सब उसका एक सपना था और आर्मन उसके सामने खड़ा उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। मीरा उसे अपने सपने के बारे में बताती है, लेकिन आर्मन उसे वादा करता है ड्रैगन कभी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इतने दिन साथ रहते रहते आर्मन को मीरा से प्यार हो गया था। वो ये बात मीरा को बताने जा ही रहा होता है तभी उसके अंदर का ड्रैगन वापस बाहर आने लगता है, लेकिन आर्मन उसे किसी तरह कंट्रोल कर लेता है। आर्मन खुद को शांत रखने और कंट्रोल करने की कोशिश करता है तभी वहाँ उसे मीरा की बोट दिखती है जो उसने ड्रैगन के डर से तैयार करके रखी थी।
अरमान को लगता है इतने दिन से मीरा सिर्फ उसके साथ होने का दिखावा कर रही थी, इसलिए वो मीरा को ड्रैगन रिचुअल के बारे में बताते हुए कहता है, ड्रैगन लड़कियों को यहाँ लाते थे और उनके मरने तक उन्हें जिंदा जलाते थे, क्योंकि उनकी राख से ही एक ड्रैगन बॉय का जन्म होता है। अरमान मीरा को यहाँ से जाने बोलता है ताकि उसके साथ ऐसा ना हो, और खुद उस केव में चला जाता है जहाँ से वो बिना इंसान बने बाहर नहीं निकल सकता, ताकि मीरा यहाँ से जा सके। मीरा को इस बात का काफी दुख था, लेकिन ड्रैगन के डर से वो भी यहाँ से वापस अपने घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ इगोर को भी मीरा को ढूंढते हुए काफी टाइम हो गया था, इसलिए वो वापस जाने का डिसाइड करता है। तभी उन्हें आसमान में रोशनी दिखती है जिसके थ्रू मीरा उन्हें सिग्नल दे रही थी। वो लोग मीरा को अपने जहाज पर ले आते हैं। मीरा अरमान को सेफ रखने के लिए उनसे झूठ बोलती है कि जब ड्रैगन उसे ले जा रहा था तब तूफान के कारण चट्टान गिरने की वजह से वो उसमें दबकर मर गया और मीरा अकेले आइलैंड में फंस गई। उसने किसी तरह बोट ढूंढी और वो अन तक पहुंच गई। मीरा वापस अपने घर जाती है जहां उसे इगोर से शादी के लिए तैयार किया जाता है और वेडिंग रिचुअल से शादी की शुरुआत की जाती है, लेकिन वो इन सब से खुश नहीं थी। उसे रियलाइज होता है कि वो अरमान से बहुत प्यार करती है, इसलिए वेडिंग रिचुअल के बीच वो इगोर से शादी के लिए मना कर देती है और सबके सामने कन्फेस करती है उसे ड्रैगन से प्यार है। वहीं दूसरी तरफ अरमान भी मीरा के साथ बिताए पल को याद कर रहा था और मीरा के जाने के बाद जीने की कोई वजह नहीं ढूंढ पा रहा था, इसलिए वो अपने इंसानी रूप में टापू की ऊंचाई से कूद जाता है। इधर मीरा के शादी से मना करने पर इगोर गुस्से में था, इसलिए वो जबरदस्ती बोट खींचने लगता है, लेकिन मीरा उसे रोकने के लिए बोट से बंधी रस्सी निकाल देती है और अरमान को बुलाने के लिए ड्रैगन सॉन्ग गाने लगती है। ये देखकर वहाँ के लोग काफी डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद ड्रैगन सॉन्ग खत्म हो जाता है, लेकिन वहाँ ड्रैगन नहीं आता, जिससे मीरा काफी दुखी हो जाती है। तभी अचानक जोर से हवा चलने लगती है और ड्रैगन वहाँ आ जाता है और मीरा को उठाकर वापस टापू पर ले जाने लगता है। तभी इगोर उस पर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, बट उसका साथी उसे ऐसा करने से रोक देता है। ड्रैगन मीरा को उसी जगह ले आता है जहां बाकी ड्रैगन लड़कियों को सेक्रीफाइस किया करते थे, लेकिन इससे पहले कि ड्रैगन उसे अपनी आंख से जलाता, मीरा ड्रैगन से बिना डरे उसे किस करके अपना लव कन्फेस करते हुए कहती है वो जैसा भी है उसे पसंद है और चाहे तो वो उसे मार सकता है या पहले की तरह वो साथ रह सकते हैं। मीरा का इतना प्यार देखकर फाइनली अरमान अपने ड्रैगन वाले रूप पर काबू पा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम अरमान और मीरा की बेटी को देखते हैं, जिसे अरमान ड्रैगन की स्टोरी सुना रहा होता है। तभी उसकी बेटी उसे ड्रैगन के जन्म के बारे में क्वेश्चन करती है। अरमान उसे कुछ बताने वाला होता है, तभी मीरा वहाँ आ जाती है और अपनी बेटी को सुलाते हुए कहती है, ड्रैगन्स के बेबीज एंजल की तरह आसमान से आते हैं। जब उनकी बेटी सो जाती है, तब अरमान अपने ड्रैगन रूप में मीरा के साथ आसमान की सैर पर निकलता है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।